आज की स्कीम में हम बस स्विचिंग स्कीम जो कि मतलब सबस्टेशन के अंदर यूज होता है, जिसमें सिंगल ब्रेकर स्कीम और सिंगल बस बार सिंगल ब्रेकर, डबल बस बार डबल ब्रेकर, डीएमटी डबल मेन इन ट्रांसफर और वन एंड हाफ ब्रेकर स्कीम्स, जो सबस्टेशन में अलग अलग टाइप के स्कीम्स यूज होते हैं उसके अंदर से एक स्कीम डबल मेन इन ट्रांसफर स्कीम को समझने की कोशिश करेंगे। तो आओ पहले हम देखते हैं डबल मेन इन ट्रांसफर स्कीम क्या है। डबल मेन इन ट्रांसफर, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इसमें दो मेन बस बार होगा, बस बार वन एंड बस बार टू, दैट इज डबल मेन मीन्स दो मेन बस बार एंड ट्रांसफर एक ट्रांसफर बस बार। बेसिकली क्या होता है, कोई भी फीडर जो हमारा कनेक्टेड होगा वो दोनों बस से कनेक्टेड रहता है, कि एक बस वन के थ्रू जो कनेक्टेड है और बस टू के थ्रू कनेक्टेड रहेगा। देन नेक्स्ट एलिमेंट आता है ब्रेकर, ब्रेकर के बाद आइसोलेटर, ब्रेकर के दोनों साइड में आइसोलेटर होगा जो कि ब्रेकर मेंटेनेंस के लिए काम आता है। एडिनेंस सी हमारा ट्रांसफर बस आइसोलेटर होता है और उसके बाद लाइन साइड में इसमें सीटी लगाया जाता है। अगर हम लाइन टर्मिनेशन के हिसाब से देखें तो फर्स्ट एलिमेंट एल ए, एल ए के बाद सी वी टी वेव ट्रैप सी टी और उसके बाद लाइन आइसोलेटर और फिर यार्ड इक्विपमेंट्स मतलब बे इक्विपमेंट्स। इस टाइप से सबस्टेशन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन होता है। जो भी यहाँ पर नंबर्स दिख रहा है जैसे 89 बेसिकली नंबर होता है आइसोलेटर का, ए मीन्स बस बार, बी बस बार वन और बी मीन्स बस बार टू। सिमिलरली 52 होता है ब्रेकर का नंबर और 89L मीन्स लाइन आइसोलेटर और सी मीन्स ट्रांसफर बस का आइसोलेटर। इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने के लिए यह होता है कि अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम की बात करें, सपोज ये फीडर अभी बस वन के थ्रू चार्ज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस वन आइसोलेटर क्लोज होगा, देन लाइन आइसोलेटर क्लोज करेंगे और ये ब्रेकर जो है, इस ब्रेकर को अगर हम क्लोज कर देंगे तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा जो पावर फ्लो है वो इस टाइप से कुछ होगा। इस टाइप से इसमें पावर फ्लो चलेगा, ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट डीएमटी स्कीम के अंदर होता है बस कपलर। बस कपलर का काम होता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, बस कपलर मतलब दोनों बस को कपल करने के लिए काम आता है। तो इसका क्या रहेगा, जनरली 89A और 89B दोनों आइसोलेटर क्लोज होता है और ये ब्रेकर परमानेंट क्लोज रहता है। अगर ये दोनों आइसोलेटर और ब्रेकर परमानेंट क्लोज है तो इसका मतलब क्या होता है कि सपोज ये 220 kV बस बार है, इस बस का वोल्टेज अगर 220 kV है तो इस पॉइंट पर भी वोल्टेज हमारा 220 kV होगा और इस पॉइंट पर भी वोल्टेज 220 kV होगा। अगर इन दोनों पॉइंट पर वोल्टेज 220 kV है, दैट मीन्स यहाँ का वोल्टेज 220 kV है और यहाँ का वोल्टेज भी 220 kV है। अब अगर हम लाइन साइड से देखें तो ये लाइन इधर से चार्ज है, 220 kV की लाइन, यहाँ भी चार्ज है, लाइन आइसोलेटर क्लोज है, ब्रेकर क्लोज है, तो इस एंड पर भी हमारा वोल्टेज 220 kV होगा। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर आइसोलेटर के अक्रॉस, दोनों में से किसी भी आइसोलेटर के अक्रॉस अगर हम बात करें, इस आइसोलेटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा वो 220 माइनस 220 मतलब जीरो होता है। अगर हम बात करें आइसोलेटर का, तो आइसोलेटर को हम बोलते हैं कि जीरो पावर डिवाइस होता है। आइसोलेटर जीरो पावर डिवाइस का मतलब होता है कि नो लोड में काम करता है, और जीरो पावर मीन्स हो गया आपका P इक्वल टू जीरो, जो कि हो सकता है इधर I इक्वल टू जीरो और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू जीरो। इस केस में क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में जीरो है, तो हम इस आइसोलेटर को लाइन जब चार्ज है उस टाइम पर भी ओपन या क्लोज कर सकते हैं, और यही मेन पर्पज भी होता है। यहाँ पर दो आइसोलेटर लगाया हुआ है, अगर ये दो आइसोलेटर के बावजूद भी हमारे पास बस कपलर नहीं होता तो प्रॉब्लम क्या होगी, कि यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस अलग अलग होगा और अलग अलग वोल्टेज डिफरेंस होने के कारण से हम नॉर्मल टाइम पर इस आइसोलेटर को के ऑपरेशंस नहीं कर सकते। मतलब अगर हमें कभी भी इस आइसोलेटर में कुछ काम करना है, सपोज इसमें कुछ काम करना है मेंटेनेंस के लिए, तो उस केस में हमें हर बार इस फीडर का आउटेज लेना पड़ेगा, हर एक बार फीडर आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इस आइसोलेटर के ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो इस टाइप के प्रॉब्लम से बचने के लिए बस कपलर लगाया जाता है जो कि परमानेंट कपल करने के काम आता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर बस। ट्रांसफर बस का काम होता है, अगर सपोज हमें अब इस ब्रेकर को मेंटेनेंस के लिए आउट करना है, अगर हमें मेंटेनेंस के लिए आउट करना है तो हमारे पास सबसे मेन चीज़ क्या है कि एक पैरेलल पाथ होना चाहिए जहाँ से पावर फ्लो करेगा। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, सबसे पहले हम ट्रांसफर बस का आइसोलेटर क्लोज करेंगे, और जब ट्रांसफर बस के आइसोलेटर क्लोज हो जाएंगे तो सेम आइसोलेटर हम जिस फीडर को आउट करना है उस फीडर का भी क्लोज कर देंगे। इसके बाद ट्रांसफर बस के ब्रेकर क्लोज करते हैं, और अब अगर हम देखें तो एक हमारे पास पावर फ्लो का पाथ ये था और दूसरा हमारे पास पावर फ्लो का पाथ जो है वो इस टाइप से कुछ बन रहा है। दैट मीन्स अभी हमारे पास इसमें दो पैरेलल पाथ बन गए हैं, पावर के टू पैरेलल पाथ्स, और इस दो पैरेलल पाथ से पावर फ्लो होने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, अगर अब हम इस ब्रेकर को ओपन करते हैं तो जैसे हम इस ब्रेकर को ओपन करेंगे, हमारा यहाँ से जो पावर फ्लो चल रहा था
वो वाला पाथ ब्रेक हो जाएगा और फाइनली पावर फ्लो ओनली ट्रांसफर बस के थ्रू चलता रहेगा। इसके बाद हम इस ब्रेकर के दोनों साइड के आइसोलेटर को ओपन कर सकते हैं, जो हमारा ब्रेकर पर मेंटेनेंस करना है वो मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो डीएमटी स्कीम में जो मेन ट्रांसफर बस का जो काम होता है टीबीसी का, उसका सबसे मेन काम होता है कि मेंटेनेंस के लिए जब हमें किसी फीडर को आउट करना है, मेंटेनेंस के लिए जब फीडर को आउट करना है तो उसके ब्रेकर को शिफ्ट कर सकते हैं। ड्रॉबैक क्या है कि एक सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है, और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी भी टाइम पर, क्योंकि हमारे पास टीबीसी सिंगल होता है तो हम ओनली वन फीडर ही आउट कर सकते हैं, ओनली वन फीडर ही मेंटेनेंस के लिए ले सकते हैं, ओनली वन फीडर मेंटेनेंस पॉसिबल होता है किसी भी टाइम पर। अगर हमें सेकेंड फीडर का मेंटेनेंस करना है उसके ब्रेकर का, तो उसको हमें परमानेंटली आउट ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर सपोज हमें सेकेंड फीडर पे कुछ काम करना है तो क्योंकि ट्रांसफर बस पहले से बिजी है तो इस ब्रेकर को हमें आउट परमानेंट रखना पड़ेगा। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि वन एंड हाफ स्कीम कैसे काम करता है, वन एंड हाफ स्कीम क्यों यूज किया जाता है और उसके क्या एडवांटेजेज है डीएमटी स्कीम के ऊपर। थैंक यू।